रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय के पिछले साल के रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। एबीवीपी के सैकड़ों छात्र और उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया और रिजल्ट में सुधार की मांग की है। एबीवीपी के मंत्री ने बताया कि कहीं परीक्षा देने के बाद भी एब्सेंट लगी हुई है तो कहीं जीरो और डैश दिया गया है। आपको बता दें कि छात्र कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। कुलपति को कुलपति दोनों को दिए थे और कुलपति और ये भी बोला कि तीन दिन के अंदर हम इसको निर्णय निकालेंगे, लेकिन कोई प्रकार का कोई कुछ नहीं हुआ है। और इस बार आज विद्यार्थी परिषद ने आज वेतन का फूल देकर आज विश्वविद्यालय के कुलपति को देने का यहाँ पर आह्वान किया और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बच्चे ज्यादा बेटर होगा कि वो विश्वविद्यालय आने के बजाय कॉलेज प्राचार्य के पास जाएं और उनको दिखाएं और वो प्राचार्य हमको व्हाट्सअप कर दे तो ज्यादा हो जाएगा। बच्चे यहाँ आते हैं तो भी हम उसकी समस्याओं को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बच्चे को यहाँ से भगा दे रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, समस्या का जितना जल्दी हो सकता है निराकरण करने की कोशिश करें।